तो अभी की बड़ी खबर सामने आ रही है, सीबीआई की टीम ने राबड़ी आवास पे छापेमारी की है और देख सकते हैं आप कि राबड़ी आवास फिलहाल पूरी तरह से बंद है, जिससे खबरें आ रही हैं कि राबड़ी आवास के अलावा 15 अन्य जगहों पर जो है वहां पर भी जो है छापेमारी की गई है और यहां पर जो है भीड़ जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने मिल रही है। तमाम जो यहाँ पर जो पुलिस के जो लोग हैं उन्होंने गेट को बंद कर रखा है, तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी ज़्यादा जो है इस तरीके से जो है यहाँ पर जो है छापेमारी की गई है। और यहाँ पर सीबीआई की टीम की छापेमारी के बाद जो है एक हड़कंप सा मचा हुआ है और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से यहाँ पर छापेमारी हुई है उससे एक माहौल जो है अलग सा एक माहौल बन गया है। यहाँ पर अंदर में अभी तेज प्रताप यादव भी मौजूद हैं और परिवार के अन्य लोग भी मौजूद हैं और ये सीबीआई की टीम की छापेमारी के बाद जो है कई तरह की बातें जो है एकदम हड़कंप सा मच गया है। आप देख सकते हैं कि ठीक राबड़ी आवास के बाहर जो है हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर जो है सीबीआई की टीम की छापेमारी फिलहाल जारी है। और इस बीच जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि राबड़ी आवास के अलावा और भी अन्य जगहों पर जो है वहाँ पर छापेमारी जारी है और जाहिर सी बात है कि घोटाला जिस तरीके से कई तरह की बातें सामने आ रही थी, पूर्व में भी जो छापेमारी कई सालों पहले हुई थी उसके बाद आज एक बार फिर से जो है यहाँ पर छापेमारी जारी है और सुबह से ही जो है सीबीआई के जो तमाम अधिकारी है वो यहाँ पर पहुँच गए हैं और पूरी तरह से गेट को जो है यहाँ पर बंद कर दिया गया है। और फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि ये छापेमारी कब तक चलती है, क्या कुछ बातें सामने आती हैं और उस बातों के बाद जो है किस तरीके से यहाँ पर जो हड़कंप का एक माहौल जो बन गया है अलग सा, उस माहौल को लेकर के जो है क्या कुछ, क्योंकि परिवार के अभी किसी भी सदस्य से नहीं कोई मिल सकता है, नहीं कोई अंदर जा सकता है, ना ही कोई बाहर आ सकता है। और यहाँ पर जो देख सकते हैं कि पुलिस के जो कर्मी हैं बाहर में, इन्होंने भी गेट को जो है यहाँ पर पूरी तरह से बंद कर रखा है। फिलहाल छापेमारी जारी है और लगातार जो खबरें होंगी अपडेट वो देशवा न्यूज़ आप तक पहुँचाता रहेगा। देशवा न्यूज़ पटना के लिए विशाल सिन्हा।